नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार में तीखी बहस हुई। विधानसभा में पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रौद्र रूप में दिखे। नीतीश कुमार को इतने गुस्से में आज से पहले शायद ही किसी ने देखा हो। दरअसल राज्यपाल के अभिभाषण के बाद चर्चा के दौरान प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ 1991 के हत्या में उनके आरोपी होने का मुद्दा उठाया। तेजस्वी ने नीतीश के ऊपर कंटेंट चोरी के मामले में उन पर लगे 25,000 रुपए जुर्माने का भी जिक्र करते हुए बोला। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने सदन की मर्यादा से बाहर जाकर सीएम नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमला भी किया। उन्होंने कहा कि बेटी पैदा होने के डर से नीतीश कुमार ने दूसरा बच्चा पैदा नहीं किया। आरजेडी नेता के इस बयान पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने सदन में जोरदार हंगामा किया। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने खुद मोर्चा संभाला। नीतीश कुमार ने बेहद गुस्से में कहा कि जो बात ये बोल रहा है उसकी जांच होनी चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है, मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए मैं सुनता रहता हूँ। इसके पिता को विधायक दल का नेता किसने बनाया था, क्या उसको पता है? इसको उप मुख्यमंत्री किसने बनाया था, इसको पता है? इसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो हमने उससे कहा कि जवाब दो, मगर जब जवाब नहीं दिया तो हम अलग हो गए, हम कुछ नहीं बोलते हैं। तेजस्वी पर चार्जशीट है, 2017 में क्यों नहीं स्थिति स्पष्ट किया था? नीतीश कुमार आग बबूला होकर बोले। इसके बाद सदन के अंदर जमकर हंगामा मचा और स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। बेटे की तलाश भाई, वो तो हम मजाक की बात कर रहे, हम प्रजनन दर की बात करते रहे, अब उसी में मजाक में हमने कोई बात कर दिया। हम किसी के बारे में कुछ कहने गए तो लोग तो खुद ही अपने बारे में सोचते हैं। मतलब एक बात तो समझ लिए ना कि लोगों को ये फीलिंग होती है। हम तो ऐसे ही एक मजाक में इस बात की चर्चा की भाई प्रजनन दर को कम करना है और महिला जब पढ़ेगी तो प्रजनन दर कम होगा, तो इस पर तो हम लोग तो बोल रहे हैं, यूरेका की भावना के साथ हम लोग कर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने सदन के बाहर अपनी बात पर सफाई भी दी। उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ 1991 में हत्या के मामले में केस हुआ, 2008 में फैसला आना था परंतु टल गया, 2019-20 में कैसे केस खत्म हो गया ये सब जानते हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए क्या SP उनके खिलाफ काम करेगा? आप इस्तीफा दे देते फिर जांच कराते तो मानते? मुख्यमंत्री अभी गुस्से में बबूला थे क्योंकि बहुत लोगों को सच पता नहीं थी। हमने तो यही कहा, 91 में केस था, केस हुआ, 2008-09 में फैसला आना था लेकिन टल गया, और 2019-20 में ये फैसला कैसे केस खत्म हो गया ये सब जानते हैं। इसमें कौन सी बुरी बात है? आप बताइए, फेयर इन्वेस्टिगेशन क्या मुख्यमंत्री रहते हुए में क्या SP उनके खिलाफ काम करेगा? कोर्ट में तो वही मान्य होगा ना जो जांच एजेंसियां रिपोर्ट करेंगी। आप मुख्यमंत्री हो, आप इस्तीफा दे देते फिर जांच कराते तब मानते? आपने तो उस समय इस्तीफा की पेशकश नहीं की। हालांकि तेजस्वी यादव के आरोप पर संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मर्डर केस को पटना हाईकोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी है और कोर्ट इन आरोपों पर कड़ी टिप्पणी कर चुकी है। इसके बाद उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से निवेदन किया कि सदन की कार्यवाही से इन आरोपों को बाहर कर दिया जाए। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।